अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक में मोनेटाइजेशन लाने के लिए मैंने तकरीबन 2 या 3 वीडियोस बनाए, लेकिन वो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं आज बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग अपनी टिकटॉक ऐप में मोनेटाइजेशन ला सकते हो, और ये तरीका मैं बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें अकाउंट भी फ्रीज नहीं होगा। जिस तरह USA के दूसरे अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, उसी अकाउंटों की तरह ये अकाउंट बिल्कुल फ्रीज नहीं होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों ने VPN कनेक्ट करना है। देखिए, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ हालो VPN। आप USA VPN भी कनेक्ट कर सकते हो या कोई सा भी VPN हो। VPN कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये ज़रूर सर्च करना है कि माई लोकेशन, क्योंकि अक्सर ऐसे VPN होते हैं जो आपके लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह लोकेशन सर्च करने के बाद यहाँ नीचे देखिए माई लोकेशन आप लोगों को नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर कंट्री आ रहा है कैनेडा। ठीक है, दोबारा सर्च बार में आ जाए, यहाँ पर लिखे टिकटॉक लॉगिन। ठीक है, टिकटॉक लॉगिन सर्च कर देने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है लॉगिन विद ईमेल और यूज़र नेम। यूज फोन आर ईमेल पर क्लिक कर देने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक कर देने के बाद नीचे देखिए थर्ड ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है, कंटिन्यू विद गूगल। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सारे जीमेल आ जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जेन में रखे, आप लोगों का बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिस पर कोई सा भी अकाउंट यानी टिकटॉक अकाउंट पहले से न बना हो। ठीक है, फिर आप लोगों के पास मोनेटाइज टिकटॉक नहीं आएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये फ्रेश वाला अकाउंट सेलेक्ट कर देना है। फ्रेश जीमेल सेलेक्ट कर देने के बाद फिर आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद फिर यहाँ पर आप लोगों ने बर्थ डेट डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर नेक्स्ट करें। उसके बाद आप लोगों के सामने एक कैप्चा आ जाएगा, आप लोगों ने ऐसे ही जेंटली सॉल्व कर देना है। कैप्चा सॉल्व करने के बाद फिर यहां पर आप लोगों ने यूजर नेम डालना है कि आप अकाउंट का कौन सा यूजर नेम रखना चाहते हो। यूजर नेम डालने के बाद फिर साइन अप पर क्लिक कर दे। यहां पर देखिए लॉगिन सक्सेस। अब आप लोगों के पास ये मोनेटाइजेशन वाला अकाउंट आ गया है। अब यहां पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, अपने टिकटॉक ऐप में जाना है, वहां पर ये अकाउंट लॉगिन करते हैं। आप चलते हैं वहां पर कि वहां पर मोनेटाइजेशन आ गया है या नहीं आया है। टिकटॉक ऐप में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करें, सेटिंग इन प्राइवेसी पर क्लिक करें, नीचे आ जाए आप लोगों को आपके सारे अकाउंट स्विच अकाउंट कर देने हैं। ठीक है, तो मैं नीचे ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ, वही अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ जो अभी मैंने क्रोम ब्राउजर में बनाया था। तो नीचे देखिए कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो आप लोगों को साइन अप, देखिए ऊपर साइन अप नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने ये सेलेक्ट नहीं करना है। नीचे देखिए यहाँ पर आप लोगों को लॉग इन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल करना है। यहाँ पर आप लोगों से मसला हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, आप लोग साइन अप पर क्लिक कर देते हो दोबारा। ठीक है, आप लोगों ने लॉग इन पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। कंटिन्यू विद गूगल कर देने के बाद वही वाला जो क्रोम ब्राउजर वाला अकाउंट है वही जीमेल को सेलेक्ट कर देते हैं। अकाउंट ओपन हो गया है, अब प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर 3 डॉट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ क्रिएटर टूल में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, वर्क विद आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, क्रिएटर मार्केट प्लेस, ये सारे मेरे पास आ गए हैं। अब इसमें मुश्किल काम किया है यार, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग बना सकते हो। कसम से मैं मैसेंजर में, व्हाट्सएप में तक किया हूँ लोगों की मैसेजेस से, ये इतना सिंपल टास्क है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक खूबसूरत कमेंट भी छोड़ दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सवाब हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।